आज है नवरात्रि का छठा दिन और मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी। बस पूजा और हवन की तैयारी है। तो अच्छा है, मुझे देख के आपको लग रहा होगा नवरात्रि है तो मैं थोड़ी हैप्पी हैप्पी फील करती हूँ। हाँ, बस ये है कि भाभी लोग चले गए हैं तो बहुत ज़्यादा अकेलापन हो रहा है, वरना हर 5 मिनट में भागती थी, कभी बेबी के पीछे, कभी किसी के पीछे, या भाभी आ जाते थे तो बस उनकी वजह से सूना सूना हो गया बहुत ज़्यादा। तो बस फिलहाल घर जाने की भी प्लानिंग मैंने आपको बताया था कि घर जाने का भी मेरा हो रहा है, मैं शायद घर जाऊँ जल्दी, तो इसीलिए बस वीडियोस वगैरह शूट करने हैं। आज भी हम लोग शूट करेंगे तो जितना हो सके मैं शूट करके डेटा संभालूंगी। तो फिलहाल पहले पूजा कर लेते हैं। तो गाइस, आज है नवरात्रि का छठा दिन और आज माता कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो कि बहुत बड़ी वॉरियर थी। तो मैं भी माता रानी से यही कहूँगी कि हमें भी शक्ति दे, ताकि हम बाहर वालों से तो क्या ही लड़ना है, ठीक है, बट अंदर की बुराइयों से लड़ सकें, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बन सकें। तो बस माता रानी से यही बोलूँगी कि इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ हमें कि हम अब आने वाली हर मुसीबत का सामना कर सकें। आओ, भाभी बना रही है इधर आम पापड़। बस बना रहे हो भाभी, अच्छा लग रहा है। खराब हो जाएंगे क्या मतलब? हाँ सही बात है। अच्छा 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 भैया ना पूरा पेटी लेके। अच्छा, अंकल वाली भाभी आम पापड़ बना रही हैं और मैं भाभी से साड़ियाँ लेके आई हूँ क्योंकि मुझे शूट करना है। तो रोज रोज मैं भी इतनी साड़ियाँ कहाँ से लाती रहूँ, तो भाभी की से मांग ली मैंने, तो भाभी ने साड़ियाँ वाड़ियाँ दी है, मैं रेडी हो जाती हूँ फटाफट। आरफ फयाज आ गए हैं, वो लोग अपना बाहर तैयारी कर रहे हैं, लाइटिंग वाइटिंग लगा रहे हैं। और आज मैंने 2 लाइटें और निकाली हैं कि मुझे लग रहा था लाइट कम पड़ रही है, तो आज ये 2 लाइटें बेड में पड़ी थी, मतलब और भी पड़ी हैं 2, बट मैंने 2 ही निकाली क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो 2 लाइटें निकाली हैं। तो बस फिलहाल नवरात्रि है और बाहर जाना नहीं है, तो अब यही कर सकते हैं कि अब घर में शूट करें, नए नए कॉन्सेप्ट निकालें, अच्छे अच्छे मैसेजेस वाले। तो बस वही है, ट्राई कर रही हूँ। और गाइज यार, प्लीज़ सपोर्ट दो, प्यार दो, ठीक है, शॉर्ट्स भी देखो और जितना हो सके वीडियोस पे कमेंट्स करो, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि आप लोग देख रहे हो, क्योंकि मैं देखती हूँ जितने भी व्यूज़ जा रहे हैं। सपोज़ अगर मेरे 100 व्यूज़ भी हैं तो अगर वो 100 लोग भी कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि उनको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अच्छे हैं, नहीं हैं, या वो लोग और किस तरीके की स्टोरीज चाहते हैं। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं तो मैं आपकी फरमाइश पे भी काम करूँ। तो मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी थोड़ी पतली हो गई यार। वैसे होना भी चाहिए, 5 दिन से कुछ नहीं खाया है, मतलब नमक नहीं गया, कुछ नहीं गया, सिर्फ फ्रूट्स और जूस पे जिंदा हूँ, तो होना चाहिए वेट भी कम। करना उसको तभी तो आगे का फिर मेरा कुछ निकलेगा जो आपको पोस्ट पोस्ट। हां हां, मैं पोस्ट दूंगी। अरे भैया जी, कैसे? अरे तभी तो मेरे को आगे का इसका पता चलेगा ना। कर लूंगी सीन में, बोला तो उससे मैं तुरंत करूंगा, मैं रोना शुरू कर दूंगी। नहीं, एक्शन तो कर यार, एक्टिंग तो करके मुझे दिखा कैसे कर रही, तो मैं भी तो बॉडी लैंग्वेज आएगी वैसे भी। तो गाइस रश्मि आ गई है और आरव उसे डराने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो देखते हैं रश्मि के क्या रिएक्शन होते हैं। देवर और भाभी की मैचिंग मैचिंग, बाप रे, क्या डराया, लेकिन मजा आ गया भाई, गॉड मजा आ गया, मजा आया। ए तुम दोनों का शूट करते हैं, तुम लोग मैचिंग मैचिंग अच्छे दिख रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, अच्छे लग रहे हो। देवर भाभी बनो, क्यों बनोगे बहन भाई? कोई नहीं, भाभी ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, आजकल की मॉडर्न भाभी ऐसे कपड़े भी पहनती है भाई। चलो चलो चलो, ये सबको ऐसे ही डराता है, बगल में बच्चे भी डरे बैठे रहते हैं। नीचे से कहाँ से आ रही है? किचन में पहला दिन कैसा चल रहा है? हाँ, बहुत सारा मुझे करने को, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। तो गाइस अभी मेरे 3 वीडियो शूट हो गए हैं, रश्मि आई है, सोच रही हूँ एक दो और कर लूँ। जैसे गाना बजता यही लगता कॉपीराइट आ जाएगा। तो मैं अभी शूट करते करते ये सोच रही थी कि काश रियल लाइफ भी इतनी अच्छी होती जितना हम रियल लाइफ दिखाते हैं, है ना रश्मि?
हाँ तो हम जो दिखाते हैं ना वो रियल लाइफ में ही होता है, रियल लाइफ सबकी अलग अलग होती है गाइज, ठीक है। तो ये ना सोचें कि हाँ भाई इनकी रियल लाइफ ऐसी है वैसी है, रियल लाइफ सबकी अलग अलग होती है। रियल लाइफ हमेशा इंसान अच्छी दिखाने की कोशिश करता है। तो बस अब रश्मि के साथ शूट करना है, तो रश्मि तो रेडी है, मैं देखती हूँ साड़ी, वैसे मैं यही यूज कर सकती हूँ। और मुझे भी जब आती ना कभी भाभी कभी कुछ बना देती है क्या करूँ, मुझे भाभी बनना पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है भाभी बनना, बहुत पसंद है इसे। जल्दी जल्दी कोई लड़का देखो भाई, जल्दी से शादी कराओ मेरी। चलो तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, अभी रश्मि के साथ जो वीडियो शूट करने वो। चलो पहले इतना करते हैं क्योंकि वो इसमें सब नहीं है, बैठे धक्का लेते हैं। ये देखो पूरा ब्लॉग बना रहे हैं शूटिंग वाले, शूटिंग वालों के लिए खाना के लिए, शूटिंग वालों के लिए। अरे यार तुम ब्लॉग ही बना लो सारे। शूटिंग वालों के लिए, शूटिंग वाले बहुत बिजी है। इधर एडिट भी शुरू हो गया है, एडिट कर रही है लड़की, हमारी तो जिंदगी इसी में चल रही है, होता है। वीडियो बनाओ एडिट करो, पूरा दिन निकल जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा कुछ भी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रश्मि जा रही है, बाय। तुमने ही ब्लॉग बनाया, ब्लॉग बना ही नहीं है। पूजा का टाइम हो रहा है इसलिए भी जा रही है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो। 8 बजे से पहले पहले पूजा करनी है। ओके बाय बाय। आज है अम्बेडकर जयंती और आप देख सकते हो मैं अपनी विंडो से बना रही हूँ ब्लॉग, और कितनी सारी भीड़ है और कितने अच्छे से मना रहे हैं लोग। तो हैप्पी अम्बेडकर जयंती टू ऑल ऑफ यू। तो गाइज रश्मि चली गई है और हमारा शूट भी हो गया, रश्मि आ गई थी तो 2 वीडियो मैंने उसके साथ भी बना लिए हैं। तो वही है जैसे स्टॉक मार्केट होता है ना, मैं स्टॉक करके रख रही हूँ सामान। मुझे पता है मैं घर जाऊंगी तो रील्स नहीं बना पाऊंगी, मतलब रील्स एंड शॉर्ट्स ये वीडियोस नहीं बना पाऊंगी क्योंकि आरफ फयाज नहीं होंगे और मेरे पास तो 2 ही हैं, आरफ एंड फयाज, तो उन्हीं के साथ बनाना पड़ता है। आज रश्मि आ गई तो उसके साथ भी बन गए। तो बस फिलहाल थक गई हूँ, अब जाके थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ थोड़ा बॉडी जवाब देने लगी है, तो सोच रही हूँ फटाफट ब्लॉग एडिट कर दूँ। बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए गुंज ब्लॉग्स, देखना ना भूलें गुंज वेव। थैंक यू सो मच, टाटा। कमेंट करना ना भूलें प्लीज़।